नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुदीना हरा लिक्विड फॉर्म के बारे में। दोस्तों, पुदीना हरा लिक्विड फॉर्म में आता है, इसे कई दोस्तों कैप्सूल फॉर्म में आते हैं। पुदीना हरा दोस्तों एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और ये एक एडवर्टाइजमेंट वाला आइटम है। ये दोस्तों टीवी में बहुत सारे इसके ऐड भी आते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, ओटीसी प्रोडक्ट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसे खरीदने के लिए कोई भी डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इसको टीवी में देख करके, न्यूज़पेपर में देख के, या दोस्तों ओटीसी जैसे काफ़ी ज़्यादा चर्चित, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो दोस्तों इसी के साथ इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों किसी को ये पता नहीं रहता है कैसे इसका यूज़ किया जाता है और किन किन समस्याओं के लिए इसका दोस्तों यूज़ किया जाता है। तो आज के जो हम फुल रिव्यू में बात करेंगे इन सब समस्याओं को लेकर के, इसके बारे में दोस्तों क्या क्या इसके यूजर्स हो सकते हैं, किन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है और दोस्तों क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, एक एक करके बात कर लेंगे फुल रिव्यू में इसके बारे में। बाकी दोस्तों अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेडिसिन हेल्थ फिटनेस, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें ताकि दोस्तों मैं जो भी अपडेट वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। नीचे देखो कमेंट्स बॉक्स से दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आप मेडिसिन से रिलेटेड कमेंट्स कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो को देख करके एंड तक इसको लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बारे में, पुदीना हरा के बारे में। पुदीना हरा लिक्विड जो है दोस्तों इस समय पर जो मेरे हाथ में 25 रुपये MRP में है और बाकी 10 ml का इसका पैकेजिंग है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें इसके यूजर्स के बारे में, तो ये बहुत सारी समस्याओं के लिए काम आता है जैसे इसके ऊपर भी लिखा है। बाकी दोस्तों मैं अपनी तरफ से ही बताऊंगा इसके क्या क्या यूजर्स रहते हैं। इसके ऊपर लिखा है दोस्तों गैस के लिए, इंडाइजेशन के लिए एंड स्टोमक एक के लिए, यानी कि दर्द के लिए, पेट में दर्द जो होता है। बाकी दोस्तों क्या होता है, किसी भी प्रकार का गैस्ट्रिक वगैरह हो जाती है, वोमिटिंग जैसा मन होता है, पेट फूलने लगता है, ये दोस्तों ठीक से गैस पास नहीं हो पाती है, जलन बहुत ज़्यादा होने लगती है, एसिडिटी होती है, दोस्तों खाना खाते ही वोमिटिंग जैसा मन होता है या डकार नहीं हो पाती है, तो उन सब समस्याओं के लिए दोस्तों इसका यूज़ कर लिया जाता है। बाकी दोस्तों इसके और भी सारे यूजर्स रहते हैं, वो प्रॉब्लम्स को लेकर के इसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले ध्यान दें कि अगर इसका यूज़ करते भी हैं तो पहले सबसे पहले डॉक्टर से ही सलाह करके इसका यूज़ करें। बाकी दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, लेकिन इसे खरीदने से पहले इसका ज़रूर डॉक्टर से ही सलाह करके इसका यूज़ करें। बात करते हैं दोस्तों इसके डोज की, यानी कि कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, कितने ml या कितने पानी में मिलाकर कैसे इसका यूज़ करना चाहिए। तो सो दोस्तों इस पर लिखा भी है अडल्ट एंड चिल्ड्रन के लिए कितना कितना देना चाहिए। अडल्ट्स के लिए इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 10 से लेकर 15 ड्रॉप्स, यानी कि बूंद लेकर के दोस्तों कितना लेना है आपको, 75 ml पानी लेकर के इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। 0.5 से यानी कि 5 ml से लेकर के 75 ml तक इसका यूज़ कर सकते हैं, कितनी 10 से 15 बूंद लेकर के। इसके बाद देखी हुई ये इसमें लिखी हुई डोज, फिर भी आप अपनी मर्जी से ना लें, पहले डॉक्टर से सलाह कर लें उसके बाद इसका यूज़ कर लें। बाकी दोस्तों बच्चों की बात करें तो 5 से लेकर 12 साल तक के बच्चे के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, 10 से 5 ड्रॉप तक 50 ml पानी के साथ में इसका यूज़ करते हैं दोस्तों, दिन में 2 बार या दिन में 3 टाइम। ध्यान दें दोस्तों इसका ऐसे ही यूज़ करना होता है, फिर भी एक बार जरूर डॉक्टर से सलाह कर लें। अब ये दोस्तों इसकी डोज रहती है, यानी कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसको पानी में ही डाइल्यूट करके इसका यूज़ किया जाता है, अन्यथा ऐसे बिल्कुल भी इसके ड्रॉपलेट यानी कि जो ड्रॉप होती है वैसे बिल्कुल भी इसको नहीं पिया जाता है। पानी वाटर के साथ में इसका डाइल्यूट करके ड्रॉपलेट्स के साथ यानी कि बूंदों के साथ इसका यूज़ करना है, उसमें डाल करके दोस्तों ज़रूरत होने पर दिन में 2 बार या दिन में 1 बार, ये जब प्रॉब्लम्स लगेगी तभी इसका यूज़ किया जाता है। ये सारे इसके यूजेज रहते हैं यानी कि डोजेज रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की, दोस्तों इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि पुदीना से ही मिलकर के बना एक आयुर्वेदिक है। बाकी दोस्तों इसका ध्यान दें, इसका यूज़ करने से पहले जरूर डॉक्टर से सलाह करें जो इसके प्रिक्यूशन हो सकते हैं। और बाकी दोस्तों जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर्स होती हैं, पहले से किसी की भी कोई पहले से दवाई चलती हैं तो ऐसी सिचुएशन होती है, तो पहले डॉक्टर से सलाह कर लो उसके बाद इसका यूज़ कर लें। बाकी दोस्तों पुदीना हरा जो लिक्विड है यानी कि एक्टिव है, इसका नाम ज़्यादातर जो दिया गया है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म है यानी कि पानी के बेस में है ये दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो यूज़ करते हैं पहले डॉक्टर से सलाह कर लें उसके बाद इसका यूज़ कर लें। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इसके बारे में यही तक जानकारी लेंगे। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं कोई अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।